Hello students, in the previous lecture I taught you tick process for solving assignment problems. Now I will take another example for tick process. किस तरह से tick process का use करेंगे, मैंने एक और example लिया है यहाँ पर और last lecture में भी एक example आपको बताया था, वो easy था थोड़ा सा और ये थोड़ा सा बड़ा question है. So ये question है, a national track rental service has a surplus of one track in each of cities 1, 2, 3, 4, 5, 6. रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रो है आपकी. ए डिफिसिट ऑफ वन ट्रक इन ईच ऑफ द सिटी 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ये आपके कॉलम 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द सिटीज विथ सरप्लस एंड द सिटीज विथ अ डिफिसिट आर डिस्प्लेड बिलो. ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं टिक प्रोसेस, जो अभी तक मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सभी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस के फॉर्म में है. जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी होती है, उसका भी एक एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं. ये टिक प्रोसेस कहाँ पर यूज होता है और कब यूज होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि जब रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम में इनक्लोज रो नहीं मिलता है तो हम लोग टिक प्रोसेस का यूज करते हैं. ये टिक प्रोसेस एक से ज्यादा बार भी यूज होता है. तो ये सिंपली असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दी गई है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है और क्या यहाँ पर टिक प्रोसेस का यूज होगा, अगर होगा तो कैसे उसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1. रो ऑपरेशन, यहां सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है. ठीक, सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या होता है, सबट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ subtracting smallest element of each row from all elements given in that row. ये मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था रो ऑपरेशन क्या होता है. ये एक ध्यान रखे आप लोग कि ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, एन क्रॉस एन के मैट्रिसेस. और टिक प्रोसेस का यूज, ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है टिक प्रोसेस का यूज बता रहा हूँ मैं आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि टिक प्रोसेस लगेगा कि नहीं. सो रो ऑपरेशन मैंने बताया सबट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स गिवन इन दैट रो. जो ये आपकी रो दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें देखेंगे फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट रो में जैसे मैंने देखा, सो रो ऑपरेशन के लिए मॉडिफाइड जो आपकी नई मैट्रिसेस बनेगी वो मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ. टू एंड हेयर इज फ्रॉम, ठीक. जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके कॉलम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये आपकी रो हो गए. सो रो ऑपरेशन जब ऑपरेट करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 15. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट वी गेट 15 को जब हम लोग सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16, 47, 14, 27, 0 and 26. नाउ इन द सेकेंड रो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 12. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0, 7, 27, 43 and 59 and 28. Now in the third row smallest element is 17. When we subtract 0, here is 12, 33, 24, 5 and 5. Sorry. And जब हम लोग फोर्थ रो में आ जाएंगे तो फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका है 27.
27 को जब हम सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 8, 13, 11, 15, 0 एंड 33 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। फिफ्थ रो में आ जाइए, फिफ्थ रो की बात करते हैं। फिफ्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका 16, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3, ठीक है। 19 से 16 करेंगे सब्ट्रैक्ट, 30 से 16 करेंगे, 14, 13 एंड 0, 4 एंड 7। नाउ इन द लास्ट रो एंड सिक्स रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका विच इज 20, दैट इज 20, 20 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 52, 10, 10, 30, 21 एंड 0। नाउ इसके बाद सिंपली मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रो ऑपरेशन एंड इसके बाद यूज करते हैं कॉलम ऑपरेशन। सो कॉलम ऑपरेशन हम लोग रो ऑपरेशन के बाद जो मॉडिफाइड आप ये मैट्रिसेस बनती है उसी में आप लोग कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आता है आपका स्टेप नंबर 2, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर से बताया है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स गिवेन इन दैट कॉलम। नाउ सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स गिवन इन दैट कॉलम, जो कॉलम वाइज देखेंगे कॉलम वाइज में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा हम लोगों को सभी एलिमेंट्स उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो मॉडिफाइड अगेन मॉडिफाइड मैट्रिसेस जो आपकी बनेगी 2 एंड हियर इज फ्रॉम 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ सो कॉलम ऑपरेशन जब हम लोग यूज करेंगे सो कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन में जो मॉडिफाइड मैट्रिसेस बनती है उसमें ही यूज करते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, सो 0 को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम एज रहेगा 16, 0, 0, 8, 3 एंड 52। नाउ सेकेंड कॉलम में जब हम लोग आएंगे सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, 0, 5, 6, 7 एंड 3, ठीक। थर्ड कॉलम में आए थर्ड कॉलम में आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 10, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने 4, 17, 23, ठीक, और 10 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 3, 0। द फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, सो 0 को सबसे सब्ट्रैक्ट किया तो वही नंबर बना रहेगा 27, 43, 24, 15, 0 एंड 30। इन द फिफ्थ कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, 0, 59, 5, 0, 4, 21। इन द लास्ट कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 26, 28, 5, 6, 7 एंड 0। नाउ कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो मॉडिफाइड मैट्रिसेस बनेगी अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनी है इसके बाद मैंने बताया था कि 0 इनक्लोज करते हैं और एक रो एक कॉलम में इन ईच रो एंड ईच कॉलम ओनली 1 0 इनक्लोज, मतलब एक ही 0 को इनक्लोज किया जाएगा, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा 0 है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लोग रो वाइज देखते हैं, 0 इनक्लोज करने के लिए रो वाइज देखा जाएगा। जब फर्स्ट रो में मैंने देखा तो देखिए फर्स्ट रो में देखा तो यहाँ पर सिंगल 0 है तो हम लोग इसको इनक्लोज
इनक्लोज कर दिया यहाँ पर. नाउ इन द सेकेंड रो एक से ज़्यादा जीरो हैं, तो अभी कन्फ्यूज़न होगा कि किसको इनक्लोज करें और किसको रिमूव करें, बिकॉज एक ही रो में एक ही जीरो को इनक्लोज कर सकते हैं और एक कॉलम में भी एक ही जीरो को इनक्लोज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जीरो इनक्लोज नहीं कर सकते हैं. थर्ड रो में आए तो थर्ड रो में जब मैंने देखा तो एक जीरो यहाँ पर दिया है, इसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया. अब देखिए जब हम लोग इस कॉलम को देखेंगे, रो वाइज चल रहा है फिलहाल, अभी तो रो वाइज जब मैंने देखा तो फोर्थ रो में जब आए फोर्थ रो में देखा यहाँ पर जीरो है, बट इस कॉलम में देखिए एक जीरो ऑलरेडी इनक्लोज हो चुका है. जब हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे तो इस कॉलम में एक जीरो ऑलरेडी इनक्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए इस रो में ये जीरो इनक्लोज नहीं होगा. नाउ फिफ्थ रो में देखा, फिफ्थ रो में यहाँ पर देखिए ये सिंगल जीरो मिल रहा है, इसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया. सिक्स्थ रो में भी एक से ज़्यादा जीरो हैं, पता नहीं चल पाएगा कौन सा इनक्लोज करना कौन सा. नाउ अब हम लोग देखेंगे कॉलम वाइज. इन द फर्स्ट कॉलम एक रो ऑलरेडी इनक्लोज है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे. इन द सेकेंड कॉलम सो एक ही जीरो यहाँ पर मिल रहा है, इसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे. थर्ड कॉलम में आपका यहाँ पर देखिए एक जीरो मिल रहा है, इसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे. कॉलम वाइज देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों को एक जीरो मिल रहा है केवल कॉलम में, बट जब हम लोगों ने इस रो में देखा तो इस रो में एक से ज़्यादा जीरो और एक ऑलरेडी इनक्लोज हो चुका है, तो जो बचा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे. सो इसके बाद ये हम लोगों के देखिए ईच रो एंड ईच कॉलम एक एक जीरो इनक्लोज हो चुका है, एक ही जीरो इनक्लोज होगा. अब टिक प्रोसेस मैंने बताया था कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई जीरो इनक्लोज ना मिले तब हम लोग टिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे. सो देखिए यहाँ पर फोर्थ रो में एक भी जीरो इनक्लोज नहीं मिल रहा है और इधर सिक्स्थ कॉलम में एक भी जीरो इनक्लोज नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर टिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे. उसके लिए नाउ असाइनमेंट शेड्यूल इज नॉट completed. Now we will use tick process. ठीक, assignment schedule complete क्यों नहीं, क्योंकि एक किसी भी row या किसी भी एक column में या एक row में आपको इनक्लोज जीरो नहीं मिल रहा है यहाँ पर फोर्थ रो और सिक्स कॉलम में. असाइनमेंट शेड्यूल तभी कम्प्लीट होता है जब सभी रो और सभी कॉलम में एक जीरो इनक्लोज जरूर मिलना चाहिए. तो ये कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर टिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे. फॉर टिक प्रोसेस जो इम्पॉर्टेंट उसकी थीम होती है कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर टिक प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट, देखिए टिक प्रोसेस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस रो में इंक्लूज जीरो नहीं मिल रहा है. तो इन आवर क्वेश्चन फोर्थ रो has no enclosed zero, तो सबसे पहले उसको टिक कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फोर्थ रो does not have enclosed zero. Now we will tick fourth row. सो इसको टिक कर लेंगे यहाँ पर. फोर्थ रो डज नॉट हैव इनक्लोज जीरो, इसको टिक कर लिया. नाउ इसके बाद उस रो में देखते हैं कि कहाँ पर जीरो था, जिस भी कॉलम में उस रो में देखते हैं कि किस कॉलम में जीरो था उस कॉलम को टिक करते. तो हम लोगों के कवर क्वेश्चन फोर्थ रो में यहाँ पर देखिए फिफ्थ कॉलम में यहाँ पर जीरो है, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे. तो इसको मैं नोटिफाई कर देता हूँ पॉइंट को, टिक फोर्थ रो हैज जीरो एट फिफ्थ कॉलम. नाउ वी विल टिक द फिफ्थ कॉलम. तो हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ कॉलम को टिक कर लेंगे इस तरह से. अब
उसके बाद मैंने बताया था जिस कॉलम को टिक किया जाता है उसमें देखा जाता है कि किस रो में इंक्लोज जीरो, उस कॉलम की किस रो में इंक्लोज जीरो है, तो इस कॉलम की फर्स्ट रो में इंक्लोज जीरो है, इसको हम लोग टिक करेंगे। तो उसके लिए भी मैं पॉइंट नोटिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टिक द फिफ्थ कॉलम हैज इनक्लोज्ड जीरो इनक्लोज जीरो एट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में इनक्लोज जीरो है तो एट फर्स्ट रो। नाउ वी विल टिक फर्स्ट रो, सब लोग क्या करेंगे फर्स्ट रो को टिक कर लेंगे। फाइन, नाउ इसके बाद क्या करते हैं, अब फर्स्ट रो में जब हम लोगों ने टिक कर लिया तो देख लिया यहाँ पर एक इनक्लोज जीरो ऑलरेडी है, सो यहाँ पे क्या होता है टिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर भी इनक्लोज जीरो ना मिल रहा होता, टिक प्रोसेस मैंने बताया था कि एक से ज्यादा बार भी यूज हो सकता है, मान ली एक स्पार ट्रक प्रोसेस लगाने के बाद क्वेश्चन असाइनमेंट शेड्यूल फिर से नहीं कंप्लीट हुआ, मतलब किसी रो या किसी कॉलम में फिर से जीरो इनक्लोज नहीं मिला तो हम लोग फिर से टिक प्रोसेस लगाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार टिक प्रोसेस लगता है, फिलहाल यहाँ पर टिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्योंकि फर्स्ट रो में एक जीरो इनक्लोज ऑलरेडी है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो आपका हो जाएगा टिक द फर्स्ट रो हैज नॉट जीरो, नाउ टिक प्रोसेस इज, जो आपका टिक प्रोसेस है इज कंप्लीटेड। अब क्या करते हैं गाइस, ये देखिए जो मेन थीम है टिक प्रोसेस, तो यहां तक आप लोगों ने टिक लगाना सीखा है कि किस तरह से टिक लगाया जाता है और टिक का यूज किया जाता है, जो मेन थीम है वो अब आएगी कि टिक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, यहां तक वो आप टिक लगाना सीखते हैं। तो जो मेन थीम है वो मैं आपको पहले नोटिफाई कर देता हूँ, पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। इसमें होता है ड्राइंग डॉटेड लाइन्स ऑन अनटिक रोज, ओके, एंड टिक कॉलम्स। नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फ्रॉम अनडॉटेड लाइन्स इज, देखिए ये मेन थीम यहां से आप लोग सीखेंगे कि ड्रॉइंग डॉटेड लाइन्स ऑन अनटिक रोज एंड टिक कॉलम्स, जो हम लोग डॉटेड लाइन्स एक ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ पर होनी चाहिए, अनटिक रो मतलब जिस भी रो में टिक ना हुआ हो, और टिक कॉलम्स और जो कॉलम टिक हुए हो उनमें, और उसके बाद ये देखेंगे कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स मतलब जो डॉटेड लाइन्स के अंडर नहीं आए, कवर नहीं हुए उनमें, सो उनमें देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। मैं अपने क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि टिक करने के बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन्स को ड्रॉ किया जाए, सो इसमें मैं बताऊंगा टिक करने के बाद जो डॉटेड लाइन्स को यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा वो किस तरह से, जो टिक रोज हैं आपके, जैसे अपने क्वेश्चन में फोर्थ एंड फर्स्ट रो टिक है एंड द फिफ्थ कॉलम टिक है, तो इनमें क्या होगा अनटिक रो मतलब जिनमें टिक नहीं है उन रो को डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे उनमें डॉटेड लाइन, और जो कॉलम टिक है उसमें हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में, इन अवर क्वेश्चन द सेकेंड रो थर्ड रो एंड फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो अनटिक है मतलब जिनमें टिक नहीं लगा, तो इनको हम लोग डॉटेड लाइन्स के अंडर कवर कर देंगे। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो टिक एंड फिफ्थ रो एंड द लास्ट सिक्स्थ रो, और मैंने आपको बताया है ड्रॉइंग डॉटेड लाइन्स ऑन अनटिक रोज एंड टिक कॉलम्स। ठीक है,
अनटिक रोज में तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, एंड टिक कॉलम जो है वो सिर्फ है, एक ही कॉलम है वो है फिफ्थ कॉलम, उसको हम लोग क्या करेंगे डॉटेड लाइन्स के थ्रू कवर कर देंगे. नाउ अब इसके बाद मैंने बताया आपको, नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फ्रॉम अनडॉटेड लाइन्स इज, देखिए अनडॉटेड लाइन्स मतलब जो, जैसे इस रो में डॉटेड लाइन नहीं है, ठीक है, इस रो में डॉटेड लाइन्स नहीं है, तो इनमें देखेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. अनकवर्ड एलिमेंट्स है ना जो डॉटेड लाइन्स के अंडर कवर नहीं हुए हैं, इनमें देखेंगे कौन सा मिनिमम एलिमेंट है. सो मिनिमम एलिमेंट इज आई थिंक वन. सो वन क्या है अपना मिनिमम एलिमेंट, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं वन, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट इज वन. अब इसके बाद की जो थीम है वो मैं आपको बताऊंगा. नाउ अब क्या करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो आपका मिनिमम एलिमेंट निकल कर आता है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ पर और कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ. वन, ये मिनिमम एलिमेंट आपका क्या निकला, वन. सो वन इज एडिंग ऑन इंटरसेक्टिंग ऑन डॉटेड लाइन एलिमेंट, ओके गाइस, एंड वन इज सब्ट्रैक्टिंग ऑन अनकवर्ड एलिमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट है. यहां से देखिए, मैंने बताया वन इज एडिंग ऑन इंटरसेक्टिंग ऑन डॉटेड लाइन एलिमेंट्स. देखिए जो डॉटेड लाइन्स मैंने करी हुई हैं, ठीक, सो डॉटेड लाइन्स के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, जैसे इंटरसेक्ट क्या मतलब, जो जहां पर कट कर रही हो डॉटेड लाइन्स, देखिए सो इसी कॉलम में कट कर रही हैं, कहां पर, एक ये पॉइंट, दो एंड थ्री एंड फोर इंटरसेक्ट कर रही, मतलब इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर एक एलिमेंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं आपके, वहां पर हम लोग मिनिमम एलिमेंट को ऐड करते हैं, और अपना मिनिमम एलिमेंट है वन. सो वन को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ऐड करेंगे, और जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये सब जिनमें डॉटेड लाइन्स कवर नहीं करेंगे, उनमें वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जो नई मॉडिफाइड आपकी जो मैट्रिसेस बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ दोबारा से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो ये हो गया आपका स्टेप नंबर थ्री, इस पर मॉडिफाइड आपकी जो मैट्रिसेस बनेगी टू फ्रॉम, मॉडिफाइड मतलब वन ऐड करने के बाद एंड वन सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है. सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड आई थिंक ट्वेल्व भी है, या एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक. नाउ जो मॉडिफाइड आपकी ये बनेगी, मतलब आफ्टर वन एडिंग एंड वन सब्ट्रैक्टिंग, मैंने बताया आपको वन कहाँ पर ऐड करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, जहाँ जैसे 59 में वन ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, 5 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 4 की जगह 5 एंड 21 की जगह, बिकॉज ये भी इंटरसेक्ट है डॉटेड लाइन्स के थ्रू, सो 21 में वन ऐड करेंगे 10, इट्स 22, ठीक. सो और वन इज सब्ट्रैक्टिंग ऑन अनकवर्ड एलिमेंट्स, अनकवर्ड एलिमेंट्स आपके ये जो डॉटेड लाइन्स के अंदर अनकवर्ड जो कवर नहीं हुए, उनमें हम लोग क्या करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट, वन इसमें करेंगे 15, 39, 3, इस तरह से. सो मॉडिफाइड जो आपकी टेबल बनेगी, जो मैट्रिसेस बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. 15, देखिए फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आफ्टर वन सब्ट्रैक्शन, 15, 39, 3, 26, ठीक, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, जो जीरो एनक्लोज है वो वैसे ही बना रहेगा, एंड ये हो जाएगा 25. सो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 15, 39, 3, 26, 0, 25, ये इनक्लोज था, इसको इनक्लोज ही बना रहने देंगे. नाउ इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में देखिए,
अब ये इंटरसेक्ट है तो इसमें वन ऐड किया जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि हमें वन सब्ट्रैक्ट वहां पे करना जो अनकवर्ड है, मतलब जो डॉटेड लाइंस के थ्रू कवर नहीं है, तो इसमें था और इसमें वन सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐड वहां पर करना है। बाकी जो एलिमेंट है डॉटेड लाइंस के थ्रू उनमें कुछ नहीं करना, वो सेम एज वैसे ही बने रहेंगे, और जो जीरो रिमूव है वो रिमूव ही रहेंगे, और जो इनक्लोज है वो इनक्लोज ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो अपना पहला जीरो है वो रिमूव है, एंड जो सेकेंड जीरो इनक्लोज है 17 हो जाएगा, 43, एंड यहाँ पर वन ऐड करेंगे 60, एंड मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखा मैंने, अब थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में कोई इफेक्ट नहीं, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वन को हमें ऐड करना है, मतलब यहाँ पर बस 6 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम एज रहेंगे। तो थर्ड में आपका यहाँ पर हो जाएगा 0, 5, 23, 24, 6 एंड 5। नाउ इसके बाद आता है आपका फोर्थ रो। फोर्थ रो में यहाँ पे देखिए अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं जो डॉटेड लाइंस के थ्रू कवर नहीं है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7, 5, 0, 14, 0, 5, ठीक है। ये इनक्लोज एंड रिमूव अभी फिर से मैं करके आपको बता दूंगा, अभी मैं रिमूव इनक्लोज नहीं कर रहा हूँ जीरो को। नाउ फिफ्थ रो में आए, फिफ्थ रो में देखा ये तो कवर्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सेम एलिमेंट, बस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, वन एट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 7, 3, 0, और जब यहाँ वन ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5, 7, ठीक है। नाउ इन द लास्ट रो सभी एलिमेंट सेम रहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे वन ऐड हो जाएगा, 52, 3, 0, 30, 22 एंड लास्ट इज 0। नाउ अब करेंगे अगेन से जीरो इनक्लोज एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये हमारी मॉडिफाइड बन चुकी है, आफ्टर टिक प्रोसेस यूज कर चुके हैं, मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के ऐड कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अगेन से हम लोग रो वाइज देखेंगे, रो वाइज में एक एलिमेंट हम लोगों के 1 0 मिल रहा है, इसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया। सेकेंड रो में 2 मिल रहा है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये मैंने पहले से कर दिया, इसको ध्यान दीजिए। थर्ड रो में आइए, सिंगल 0 मिल रहा है, इसको हम लोग तुरंत इनक्लोज कर देंगे। अब देखिए इस कॉलम में जब हम लोग देखेंगे बाद में, तो 1 0 ऑलरेडी इनक्लोज है, और मैंने आपको बताया है एक एक कॉलम और एक रो में एक ही 0 को इनक्लोज कर सकते हैं। 1 0 क्लोज है, सो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रो में है, फोर्थ रो में आपके 2 0 बन रहे हैं, तो कभी नहीं क्लियर हो सकता है, 2 0 बन रहे हैं। जब हम लोग इस कॉलम में देखेंगे तो 1 0 ऑलरेडी इनक्लोज है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जब ये रिमूव हो जाएगा तो अब अपने रो में क्या है, 1 ही 0 बचा, तो वो इनक्लोज हो जाएगा। जब ये इनक्लोज हो गया तो इस कॉलम में देखेंगे, उसी कॉलम में, जब उस कॉलम में देखा तो एक ऑलरेडी क्या है, इनक्लोज है, तो जो बचा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ फिफ्थ रो में आए, फिफ्थ रो में आप अपन लोगों को सिंगल 0 ही मिल रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, ठीक। एंड इस कॉलम में भी आपको कोई एक्स्ट्रा 0 नहीं है, नहीं तो रिमूव हो जाता, ये इनक्लोज हो गया है। सिक्स्थ रो में आए, सिक्स्थ रो में 1 0 रिमूव हो चुका है, बचा 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। इनक्लोज होने के बाद जो बचता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक। नाउ अब देखेंगे कि सभी कॉलम सभी रो में इनक्लोज 0 मिल रहा है। अब कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज आपके ये देखिए, इसमें 0 मिल रहा है, इसमें इनक्लोज नहीं हुआ था, सो इसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक। थर्ड कॉलम में इनक्लोज हो चुका है, फोर्थ में भी इनक्लोज हो चुका है, फिफ्थ में भी इनक्लोज हो चुका है, हर कॉलम और हर रो में इनक्लोज 0 मिलना चाहिए। तो आपका ये क्या हो गया, असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीट हो गया, मतलब टिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नाउ लिखेंगे हम लोग, नाउ असाइनमेंट शेड्यूल इज कंप्लीटेड एट, कहाँ पर, देखिए फर्स्ट रो का कंप्लीट हुआ है फिफ्थ कॉलम पे, तो फर्स्ट रो का हम लोगों नंबर जो कॉलम का नंबर लिया है उसको ही लिखेंगे। फर्स्ट का 11th पे कंप्लीट हुआ, सेकंड का 8th पे, ठीक है, एंड थर्ड का कंप्लीट हुआ है ऑन द 7, फोर्थ का कंप्लीट हुआ है ऑन द 9, फिफ्थ का कंप्लीट हुआ है ऑन द 10, एट द 10, एंड सिक्स का कंप्लीट हुआ है एट द
12, ठीक। नाउ अब ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जहां जहां पर जिस पर ये कंप्लीट होता है, फर्स्ट का कंप्लीट हुआ 11th पे, सेकंड का, तो ये गां कंप्लीट होता है, ये जो वैल्यूज जहां जीरो क्लोज हुआ है ये वैल्यूज हम लोग क्वेश्चन से लिखते हैं, एंड मिनिमम जो मिनिमल कॉस्ट होती है जेड, उसको उन्हीं वैल्यूज को ऐड करके मिनिमल कॉस्ट निकालते हैं। सो क्वेश्चन में जो वैल्यूज यहाँ पर दी होंगी उन्हीं को हम लोग यहाँ नोटिफाई करेंगे एंड देन वी ऐड। सो हम अपना क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपने दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में फर्स्ट का लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था 11th पर, ठीक है। तो फर्स्ट के 11th की वैल्यू थी 15, क्या थी 15 लिख लेंगे, ठीक है। नाउ इन द सेकंड का कंप्लीट हो रहा था, यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड का कंप्लीट हो रहा था 8th पे, तो सेकंड का कंप्लीट हो रहा था 8th पे, तो ये क्या हो गई वैल्यू 19। थर्ड का कंप्लीट हो रहा था 7th पे, थर्ड का 7th पे वैल्यू हो गई 17, ठीक है। फोर्थ का कंप्लीट हो रहा था एट द 9th, सो 9, सो दिस इज वैल्यू 38, ठीक। नाउ द फिफ्थ का कंप्लीट हो रहा था आपका कहाँ पर 10 पर, तो फिफ्थ का हम लोग 10th कॉलम पे देखेंगे 16, एंड द सिक्स्थ का कंप्लीट हो रहा था एट द 12, वैल्यू इज 20। नाउ इन सबको वैल्यूज को लिख लेते हैं एंड मिनिमल कॉस्ट को निकाल कर ऐड कर देते हैं। सो मिनिमल कॉस्ट जेड इक्वल्स टू 15 प्लस 19, ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। 17 प्लस 38 प्लस 16 प्लस 20 एंड द सम इज 125। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, काफी लंबा प्रोसेस होता है टिक प्रोसेस। सो थैंक यू।